हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सोया कबाब। बहुत बार ऐसा होता है जो रेसिपी हेल्दी होती है वो टेस्टी नहीं होती, और जो टेस्टी होती है वो हेल्दी नहीं होती। पर आज जो हम बनाने जा रहे हैं कि हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं सोया कबाब। इसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने 1.5 कप सोयाबीन लिया है चंक्स, जिसे मैंने एकदम गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था। इसके साथ में हमें लगेगा ये एक बड़ा आलू हमने लिया है, जिसे बॉईल करके लिया है। एक हमने मीडियम साइज का प्याज बारीक कट करके लिया है। 1/2 कप हमने फ्लैटन राइस लिया है पोहा। 1/2 कप हमने दलिया लिया है, रोस्टेड दलिया लिया है, और कुछ धनिया पत्ती हमें लगेगी। 1 इंच का अदरक का पीस है। 3 हम हरी मिर्च लेंगे। 10-12 हम लहसुन की कलियां लेंगे। ये चिली फ्लेक्स है, हम 1 टीस्पून यूज़ करेंगे। और इसके साथ में हमें चाहिए मसाले, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे जो मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, जीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर लिया है 1 टीस्पून, आमचूर पाउडर है 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, और हल्दी लिए हमने 1/2 टीस्पून। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं सोया कबाब बनाना। पहले हम ये जो फ्लैटन राइस हमने लिया है पोहा, उसको थोड़ा सा भिगो के रखते हैं 5 मिनट के लिए। तब तक बाकी की चीज़ें हो रही है, तब तक ये भीग जाएगा। जो रोस्टेड दलिया हमने ली है, इसका भी पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका एकदम बारीक पाउडर कर लिया है। अभी हम इसे बाजू में रखते हैं, और जो सोयाबीन हमने भिगो के लिया था उसको हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। इसे अच्छे से वॉश कर लिया है 4-5 पानी से। अभी हमें इसे पानी निकालना है इसका पूरा, और इसे मिक्सी के जार में बारीक करना है। ये देखिए, अभी हम ये मिक्सी के जार में हमने डाल लिया है स्क्वीज करके, इसका पानी निकाल के। अभी इसमें ये लहसुन की कलियां हम डाल देते हैं, साथ में ही जिंजर और हरी मिर्च हमने ली है वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। ये जो फ्लैटन राइस पोहा को हमने भिगो के लिया था, इसे हम अभी स्टेनर में स्टेन कर लेते हैं। इसमें का पानी हम निकाल लेंगे। इसे हम 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही रखते हैं ताकि पूरा पानी इसका निकल जाए। ये सोयाबीन बड़ी और बाकी की चीज़ों को हमने मिक्सी में से बारीक करके लिया है। उसमें हम ये आलू बड़े साइज का हमने लिया है बॉईल करके, वो ग्रेट करके डाल देते हैं। ये प्याज ऐड कर लेते हैं, धनिया पत्ती ऐड कर लेते हैं। ये हमने चिली फ्लेक्स लिया है वो भी इसमें डाल लेते हैं। धनिया पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला और हल्दी, ये सब हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये जो रोस्टेड चना को हमने मिक्सी में बारीक करके लिया था, ये भी इसमें ऐड कर लेते हैं। पोहा में जो अगर पानी है तो हम इसे ऐसे निकल के लेंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही पानी नहीं चाहिए हमें। वैसे भी मैंने इसे स्टेनर पे रखा है, पर तो भी अगर कुछ है, ऐसा लग तो नहीं रहा है इसमें है ऐसा, क्योंकि ये भी देखिए इसमें भी निकल नहीं रहा है पानी, तो मैं ये निकाल देती हूँ। और इसे अच्छे से हम मसल लेंगे। ये फ्रेंड्स, इसको हमने अच्छे से मसल लिया है। अब ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है।
ये हमारे आटे की कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली लग रही है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। ये मैं पहले 2 टेबलस्पून डालती हूँ और फिर लगा तो और डालेंगे, पर मेरे ख्याल से 2 टेबलस्पून से हमारा काम हो जाएगा, पर हम चेक कर लेते हैं। अभी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह से सभी कबाब बना लेंगे। तो मैं एक दो दिखाती हूँ वापस करके। ये देखिए, जो 2 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लावर डाला है उससे उसका बाइंडिंग बहुत अच्छा हो गया है। अभी ये देखिए, आपको चाहिए तो आप थोड़े से अलग शेप भी बना सकते हो, पर मैं राउंड ही बना रही हूँ। ये फ्रेंड्स, हमने ऑयल को पहले ही गर्म करने के लिए रखा है। चेक कर लेते हैं, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें ये कबाब डाल देते हैं। ये कबाब मैंने मीडियम साइज के बनाए हैं, आपको जैसे पसंद है आप उस हिसाब से बनाएंगे। अभी मेरा गैस का फ्लेम मैंने लो पे रखा है, तब हमारा ऑयल पूरी तरह से अच्छे से गर्म है। ये फ्रेंड्स, ये हमारे कबाब का कलर आ चुका है, तो हम इसे दूसरे साइड से पलट लेते हैं। ये हमारे कबाब बहुत ही अच्छे बने हैं, एकदम क्रिस्पी बने हैं। मैं इसका ये देखिए, आप आवाज़ भी सुन सकते हो, बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। तो हम इसे निकाल लेते हैं, बाकी के भी कबाब इसमें डाल लेते हैं फ्राई करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, हमारे कबाब अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, इनको अभी कलर आना बाकी है। हमने इसे पलट लिया है अभी और वापस से इसे 3-4 मिनट के लिए होने देते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसे सबको बहुत अच्छा कलर आया है, मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे कबाब को बहुत ही अच्छा कलर आया है। अभी हम इन सबको निकाल देते हैं। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं हमारे कबाब। बाकी के भी मैं फ्राई के लिए डाल देती हूँ। अगर आपको कबाब बनाते वक्त कुछ प्रॉब्लम होता है और आपके कबाब तेल में पिघलने लगते हैं, तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कीजिए, 1/2 चम्मच और लगेगा तो ऐड कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड से इसे कलर आ चुका है, हम इसे पलट लेते हैं। सभी को हम पलट लेते हैं, धीरे से पलटना है इन्हें। ये फ्रेंड्स, हमारे कबाब ऑयल के ऊपर आ चुके हैं, इसका ही मतलब वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें ऑयल थोड़ा सा ड्रेन आउट करके निकाल लेते हैं। इस तरह से हम सभी कबाब फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सोयाबीन के कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही अच्छे बने हैं, आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।